अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और आज हमारा मकसद है ग्राउंड आने का कि आज हम आपको दिखाएंगे कि प्रो प्लेयर्स जो प्रोफेशनल होते हैं वो एक्चुअली अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, ग्राउंड जाकर वो क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं उनकी, किस तरह से वो अपनी प्रोग्रेशन को बेहतर करने के लिए कौन सी प्रैक्टिस करते हैं, स्किल वर्क किस तरह से करते हैं। मेरे साथ है मोहम्मद फैज़ान, नेशनल प्लेयर हैं, अभी रिसेंटली नेशनल T20 कप खेल कर आए हैं, और मेरे साथ हैं इमर्जिंग फास्ट बॉलर मोहम्मद ज़ीशान। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो जो आजकल जो भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ उसमें बहुत सारा मैं क्रेडिट दूंगा ऑन भाई को, जिन्होंने मुझे बहुत प्रोफेशनल तरीके से प्रैक्टिस करवाई है और जिसका बेनिफिट मुझे आगे जाके बहुत ज़्यादा मिला और मेरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा परफेक्शन आई है। ये एक फ़ायदा होता है कि आप एक प्रोफेशनल कोच के साथ जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आपने मुझे 6 बॉल्स पर 6 सिंगल करके दिया, अब हम करेंगे अपना वार्म अप सेशन। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम वार्म अप करते हैं अपनी बॉडी को ताकि हम अपना सेशन जो है वो अच्छे से इंजॉय कर सकें। पहले हम रनिंग करेंगे, स्लोली जॉगिंग, उसके बाद प्रॉपर स्ट्रेचिंग और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना बैटिंग सेशन। अब हम अपना बैटिंग सेशन स्टार्ट करने लगे तो फैज़ान को मैं सबसे पहले ड्रॉपिंग बॉल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। ड्रॉपिंग बॉल्स की प्रैक्टिस हम इसलिए करेंगे ताकि हमें जो एक बैलेंस चाहिए होता है, बैलेंस अपना ठीक कर सकें और अपनी टेक्निक्स को बेहतर करने के लिए कि हमारी टेक्निक किस तरह से आ रही है, अपना आई ऑन द बॉल, बॉल हेड के ऊपर, ये सारी चीज़ें हमारी इस ड्रिल में कवर हो जाएंगी। तो अब हमें ऑन भाई कराएंगे पुल शॉट की प्रैक्टिस अंडर आर्म। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी मसल मेमोरी पुल शॉट के लिए ठीक रहेगी। अब हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत स्पेशल प्रैक्टिस है। आप जो मेरे हाथ में जो चीज़ देख रहे हैं ये है एक्चुअली रोबो आर्म। इसके साथ आप अपनी लाइन और लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट है इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त। ये मैं कहता हूँ कि जो आप देखते हैं ना विराट कोहली वगैरह जो
इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के साथ प्रैक्टिस करते हैं, रोबो आर्म के साथ। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप अपनी मर्ज़ी की मतलब पेस अगर करवाने वाला अच्छा है तो आप 140 से ऊपर ऊपर आप फास्ट बॉलर की प्रैक्टिस करने के लिए 140 प्लस के बॉलर को खेलने के लिए आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब हम इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, पहले भी हम करते रहते हैं तो सोचा कि आज आपके साथ भी ये प्रैक्टिस शेयर करें। इसके लिए हम सीमेंट विकेट का हम यूज़ करेंगे ताकि इसका बाउंस जो है वो एक्यूरेटली आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा पेस का हम सामना कर सकें। हम स्टिक पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और रैंडमली प्रैक्टिस हो रही है। ओन भाई को मैंने कहा हुआ जान दिल करे करे ऐसे मैच हमने मैच डाला हुआ एक दूसरे के साथ तो तेज भी बहुत कर रहे हैं लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है, आप देखते रहिएगा। चलो अब इस प्रैक्टिस के एंड में मैं फैजान को दे रहा हूँ टारगेट। फैजान टारगेट ये है कि 6 बॉल्स हैं, ठीक है, आपने मुझे 6 बॉल्स पर 6 सिंगल करके था, 6 सिंगल, क्योंकि हमारा एक जो है अल्टीमेटली सिंगल एक बहुत बड़ा आर्ट सिंगल करना, इसलिए मैं आपको टारगेट ये नहीं दूंगा कि आप 10 बॉल पर 15 कर दो 20 कर दो, मैं आपको टारगेट ये दूंगा कि आप मुझे सिंगल करके लेके दो 6 बॉलों पर 6 सिंगल 7 सिंगल जो आप इजीली कर सकते हो। टाइट लेंथ पर बॉल होगी, ठीक है, यूँ समझ लो कि ऑफ साइड पैक है मेरी, ठीक है, ये मेरा ये सामने आपको सिंगल मिलेगा, लॉन्ग मिड ऑन ऊपर रहेगा, ठीक है, बाकी स्क्वायर लेग पीछे जो यूल जिस तरह से होती है बड़ी, ठीक है, 6 सिंगल करना है। आ जाओ पहला बॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझ के खेलो कि मैं आखिरी बैट्समैन हूँ, बस 6 बॉल पे 6 सिंगल करने हैं, ठीक है, चलो दे देते हैं, दे देते हैं। दो बॉल्स दो सिंगल, ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, पॉइंट गली थोड़ा सा ऊपर है, ओके, अच्छे स्किल्स में अगर बात की जाए तो फैजान की स्किल्स अच्छी हैं, मैं बड़ा मुतासर हूँ इनके स्किल से, नेचुरली टैलेंटेड बैट्समैन है और छोटी उम्र में यही वजह है कि इतनी अच्छी क्रिकेट खेलना, तो स्किल्स हैं इनके पास। सिंगल किस तरह से करते हैं, अभी बीच वाले बॉल को इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके सॉफ्ट हैंड से स्क्वायर लेग पे बॉल को रख के सिंगल लिया, बहुत अच्छा है। ये दो रन से हो जाएगा, ठीक है, दो रन से है क्योंकि बॉलर बैक शॉट थी तो फील्डर के आने में टाइम होता है, तो दो रन हो सकते हैं, देते हैं हम। अब लास्ट बॉल है, मामला ये है कि उन्होंने फील्डिंग सारी बाहर पैक की हुई है ऑफ साइड, मुझे यकीन है कि बाहर करेंगे थोड़ा सा कि भाई इसको सिंगल ना दिया जाए, तो मैं कोशिश करूँगा ऊपर से मार। व्हाइट
ये क्या हुआ भाई? थोड़ा सा मैं स्लैश करने लगा था, लेकिन बहुत थोड़ा था। आखिरी दो बॉल्स पे तीन रन चाहिए थे, दो बॉल्स पे तीन रन चाहिए थे, तो इन्होंने पांचवी बॉल पे दो रन लिए हैं और लास्ट बॉल पे मैंने इनको टोटली डिसीव कर दिया। तो अच्छा खेले हैं ये, बहुत अच्छा खेले हैं। बात हार जीत की नहीं है, बात ये है कि स्किल्स, कि ये एक स्किल है। अब देखिए मैंने उनको टारगेट दिया है, टफ मैच हुआ है, ठीक है ना। सिंगल लेना मुश्किल काम है, जब आप सिंगल के लिए जाते हो तो सिंगल लेना एक आर्ट है। इसको जितनी कोशिश करें इसके ऊपर काम करें, सिंगल लेना सीखें बस। आज चलें जी, आज हमें इजाज़त दें। ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा। फैजान कैसा हो रहा है सेशन? बहुत मज़ा आया, आज तो के टफ मैच हुए। हाँ अच्छा, स्किल वर्क जब हम करते हैं तो मज़ा आता है, इंजॉय करता है बंदा। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।